हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब कोमल किचन में। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्थी खिचड़ी बनाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ये बताया है, तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरी देखें। तो आज हम चावल और मूंग दाल से खिचड़ी बनाएंगे। छिलके वाली मूँग दाल बहुत ही हेल्थी होती है, तो आज मैं आपको छिलके वाली मूँग दाल से बहुत ही सिंपल तरीके से खिचड़ी बनाना बताऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने मूँग दाल लिए छिलके वाली, ये लिए है चावल, आप एक जैसे भी रख सकते हो। मैंने थोड़ा ज़्यादा मूंग दाल लिया है और उससे कम चावल लिया, आप देख पा रहे होंगे। अभी ये मैंने बाउल लिया है, इसमें हम ये दाल डाल देंगे। इसके साथ ही हम ये राइस भी डाल देंगे और अच्छे से इसको साफ कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये दिखने में साफ लगता है, जैसे आप इसमें पानी डाल के अच्छे से साफ करोगे तो वाइट वाइट पानी निकलेगा, तो हमें साफ ज़रूर करना है। आप कभी भी खिचड़ी बनाओ तो हमें साफ करके ही बनाना है। तो ये देखिए कितना वाइट वाइट पानी ऊपर आ गया है गंदा, तो इस तरह हम 3-4 बार इसको पानी डाल के अच्छे से साफ कर लेंगे। तो ये देखिए हमने अच्छे से साफ कर लिया है, एकदम साफ हो गई, आपको दिख ही रहा होगा। अभी हम इसको आधे घंटे के करीब पानी डाल के भिगो देते हैं, तो मैं ढक्कन लगा देते हैं इसको। आधे घंटे बाद हम चेक करेंगे, तो आधे घंटे बाद ही हम खिचड़ी बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आधे घंटा हो चुका है, दाल हमारे भीज के एकदम तैयार हो गई है। ये देखिए अच्छे से पानी सोख लिया है, ये देखिए फूल गई है। आधे घंटा खूब होता है इसको भिगोने के लिए। तो अभी हम चलते हैं गैस की तरफ, गैस पे हम रखेंगे पतीला। तो ये देखिए मैंने पतीला रख दिया है। अभी हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी, देसी घी ले रही हूँ मैं। आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हो, लेकिन देसी घी से क्या होता, बहुत ही हेल्दी बनती है। तो आप जहाँ तक हो सके देसी घी से आप तड़का लगाएं। अगर बाय चांस आपके पास नहीं है तो इसकी जगह आप बटर भी डाल सकते हो, और अगर कुछ भी नहीं है तो आप थोड़ा सा ऑयल डाल के तड़का लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे तो इसमें। पर अभी हमारा घी गर्म हो चुका है, अभी हम इसमें डाल देंगे जीरा। तो इसमें फ्रेंड्स बिल्कुल भी झंझट नहीं है, बहुत ही आसान तरीका मैंने बताया है। और ये खिचड़ी खानी चाहिए, बहुत ही हेल्दी होती है, आप इसको रात को भी खा सकते हो, लंच में भी खा सकते हो, इसमें कोई वो परहेज नहीं है। लेकिन सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है, जब भी तबीयत ख़राब होती है डॉक्टर खिचड़ी के लिए बताते हैं। तो आज मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता रही हूँ। तो देखिए जीरा ब्राउन हो गया है, अभी हम इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया मैंने 1 चम्मच। तो फ्रेंड्स यहाँ बात ये ध्यान रखनी है कि हमें गैस को एकदम मीडियम रखना है, फुल फ्लेम पे नहीं करना, नहीं तो हल्दी का कलर चेंज हो जाएगा। तो अभी हम इस टाइम डाल देंगे पानी। तो ये 1/2 लीटर का है, तो इसमें मैं 4 कप पानी के डालूंगी। ये देखिए, तो कम से कम 2 लीटर इसमें मैं पानी डाल दूंगी। पानी हमें खूब चाहिए जिससे खिचड़ी अच्छे से बनेगी। ये देखिए मैंने 4 कप पानी के डाल दिए हैं, और इसको हम ढक के छोड़ देंगे। साथ में मैं इसमें पहले नमक डाल देती हूँ, तो मैंने 1 चम्मच नमक का लिया। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हो, और इसको भी हम मिक्स कर देंगे और इसको हम ढक के छोड़ देंगे तब तक उबाल आने तक। उबाल आने के बाद हम जो हम दाल रेडी की थी वो डालेंगे इसमें। तो अभी हम इसको थोड़ा सा ढक के छोड़ देते हैं। तो देखिए फिर 1 मिनट में उबाल आ गया, ये देखिए कितने अच्छे से उबाल आ गए हैं। इस टाइम हमें वो चावल और दाल डाल देनी है। तो ऐसे करके हमें सभी इसमें डाल दूंगी मैं सारी। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, और गैस को हमें पूरी खिचड़ी बने तब तक हमें एकदम मीडियम गैस पे बनाना है। अगर आप फुल कर दोगे तो पूरा बर्तन ऊपर से ये उफन के पूरा पतीला भर जाएगा और अच्छी नहीं बनेगी। तो आप गैस को एकदम मीडियम कर देना है, और थोड़ा सा हम इस पर ढक्कन लगा देंगे और बीच बीच में थोड़ा चेक कर लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, ये खिचड़ी बिल्कुल भी ऊपर नहीं आएगी, जितना पानी है हमारा उतनी ही रहेगी, इसके ऊपर बिल्कुल नहीं आएगी, और बहुत ही टेस्टी खिचड़ी बनके रेडी होगी। तो मैं आपको बीच बीच में दिखा देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इतनी उबल चुकी है, ये देखिए इतनी पक चुकी है, लेकिन थोड़ी बहुत भी ऊपर नहीं आई है। और देखिए थोड़े पकने में आ गई है खिचड़ी, ये देखिए।
तो इस तरह अगर आप मीडियम गैस पे बनाओगे तो पतीला एकदम आपका साफ़ रहेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। खिचड़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी, बस इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 20 मिनट में हमारी खिचड़ी बनके रेडी हो जाएगी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो ये देखिए बीच बीच में मैं आपको दिखा रही हूँ, खिचड़ी बिल्कुल भी पतीले के ऊपर नहीं आ रही है, जितना हमने डाला है उससे नीचे जा रही है। और इस तरह आप बनाओगे खिचड़ी तो बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो ये देखिए थोड़ी बन गई है, अभी थोड़ा सा बाकी है, तो थोड़ा सा और एक मिनट के करीब ढक के पका लेते हैं इसको। तो ये देखिए अच्छे से घुट गई है, अभी हम इसको थोड़ा सा इससे मिक्स कर देते हैं, जिससे क्या है कि एकदम ही ये घुट जाएगी, अच्छे से बन जाएगी ये। तो अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे। तो देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर दिया, आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए कितने अच्छे से हमारी मिक्स हो गई है। और पानी हमारा एकदम परफेक्ट था, हमने बिल्कुल ज़्यादा कम पानी नहीं डाला। अगर आप इस तरह खिचड़ी बनाओगे तो सच में ही आपकी बहुत ही टेस्टी खिचड़ी बनेगी। और इसमें देखिए बिल्कुल झंझट नहीं, आप इस खिचड़ी को चढ़ा के और काम भी कर सकते हो और ये खिचड़ी बनती रहेगी, 20 मिनट में तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और बहुत ही हेल्दी होती है ये। तो ये देखिए बिल्कुल भी हमारा पतीला जो ऊपर नीचे नहीं हुआ जितनी हमारी खिचड़ी थी, जैसे जैसे पकी है नीचे गई है ऊपर नहीं आई है। तो आप हमेशा मीडियम गैस पे ऐसे बना सकते हो आसानी से। तो मैं आपको सर्विंग बाउल में निकाल के दिखाती हूँ, हमारी खिचड़ी बहुत ही टेस्टी बनी है, देखिए कितना अच्छा कलर आया है और ना ज़्यादा गाढ़ी बनी है और ना पतली बनी है, बहुत ही परफेक्ट खिचड़ी बनके रेडी है। मैं आपको बताती हूँ एक ही बात, तो इस तरह अगर आप पानी डाल के पानी का मेजरमेंट करके ऐसे बनाओगे तो खिचड़ी आपकी बहुत ही टेस्टी बनेगी और बहुत ही हेल्दी है ये। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो थोड़ी बहुत, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर देना, ये एकदम फ्री है। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।